गोला बाजार से एक खबर बहुत चर्चा में है। आज हम लोग उसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये खबर शुरू होती है अप्रॉक्स यहाँ से मार्च से, इसी साल के मार्च से, 6 मार्च की रात को कुछ 3 भाइयों ने मिलकर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे एक दीवार देख रहे हो, ये दीवार लगभग 40-50 साल से है। इस दीवार को तीनों भाइयों ने, जिसमें से एक ही फ़ोटो हम लोग आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मिलकर इसे तोड़ दिया, उस दीवार को तोड़ दिया, जैसा कि आप लोग यहाँ फ़ोटो में देख सकते हो। अभी वो दीवार नहीं है जहाँ, और उस दीवार को तोड़ के वो लोग वहाँ पे एक चबूतरा, वहाँ से आने जाने का रास्ता मांग रहे हैं। और जांच करने पे हमें पता चला कि उस दीवार, उस दरवाजे के बगल में जो शटर है वो उन्हीं लोग का है, वो 5 फीट का है, उससे वो लोग आराम से अंदर जा सकते हैं। लेकिन एक महिला है जो उस चबूतरे पे अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, उसके पति की मृत्यु हुए 1 साल हो चुका है, उसके पति की मृत्यु के 6 महीने बाद वे लोग जिस दिन 6 तारीख के रात को वो महिला चुनाव में उपस्थित नहीं थी, गोला बाजार में उपस्थित नहीं थी, उसके अनुपस्थिति में वो लोग जबरन रातों रात उस दीवार को तोड़कर वहाँ गेट लगा दिया गया। जब सुबह महिला को सूचना दी गई तब वो भागे तोड़े चुनार आई, और उसके बाद जब नगर पालिका में अप्लीकेशन दिया गया तो नगर पालिका वालों की तरफ से उस महिला के हक में रिपोर्ट लगा, और उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि महिला वहाँ पे दुकान करती है और वो जो दरवाज़ा अभी पच्चीगढ़ ने खोला हुआ है वो गलत है। और उसी रिपोर्ट के बेस पे 2 अगस्त को जब महिला वहाँ पे दुकान, उस गेट का निर्माण पुनः करवा रही थी, पुनर्निर्माण दिन के समय वो चोरी से नहीं बल्कि सबके सामने से खुल के, क्योंकि उसके पास रिपोर्ट थी, करवा रही थी, तभी वो तीनों भाई संजू, शीतला और राजू वहाँ पे आते हैं और उस दीवार को बिना सोचे समझे उस दीवार को गिरा देते हैं, जिससे और उस महिला के साथ बदतमीजी, गाली गलौज और हाथापाई करते हैं, जिससे उस महिला को काफ़ी सारी चोट लगती हैं। और हाथापाई के दौरान महिला को काफ़ी सारे चोटें आई, और फिर उन तीनों भाइयों के खिलाफ पुलिस थाना में अप्लीकेशन दिया गया। उन तीनों भाई संजू, शीतल और राजू के खिलाफ पुलिस थाना में एप्लीकेशन दिया गया, और जिसकी कार्रवाई चल रही है। जब ये खबर भाजपा के एक नेता तक पहुंची तो उन्होंने सच्चाई का साथ देते हुए उस महिला की मदद की और 3 अगस्त को उस दीवार का पुनर्निर्माण कराया। और इतना ही नहीं बल्कि वो वहाँ पर रात भर रुके रहे ताकि ये तीनों भाई दोबारा वहाँ पर जाके हाथापाई उस असहाय महिला को परेशान न करें। और आप लोग भी सही का साथ दीजिए, गलत रहता है। इसके उपरांत आज 4 तारीख को महिला पुनः इंसाफ के बाद अपने दुकान पे हंसी खुशी अपना दुकान फिर से खोलते हुए, और उन्होंने